लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों पर कशमकश बरकरार है। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में राज्य के दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। सूत्रों के अनुसार इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने आधे से ज्यादा सांसदों का टिकट काट सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में पहले ही भाजपा 4 सांसदों को उतार चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। बीते बुधवार को दिल्ली में हुई पार्टी आलाकमान की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर बड़े बदलाव के संकेत दिए गए हैं। भाजपा के लिए मध्य प्रदेश से भी ज्यादा चुनौती छत्तीसगढ़ में है। यही वजह है कि लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है। विधानसभा चुनाव में 4 सांसदों ने दांव खेला था, जिसमें अरुण साव, विजय बघेल, गोमती साय और रेणुका सिंह ने चुनाव लड़ा था, जिसमें विजय बघेल को छोड़कर बाकी 3 ने जीत दर्ज की और विधायक बने। दिल्ली में मीटिंग से पहले मंगलवार शाम को प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक भी हुई थी, जिसमें कई राज्यों में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन किया गया था। पार्टी के अंदरूनी सर्वे के आधार पर हर एक लोकसभा क्षेत्र के लिए 2 नामों का पैनल तैयार किया गया है। इन्हीं नामों को लेकर दिल्ली में चर्चा की गई। माना जा रहा है कि भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पुन्नू लाल मोहले जैसे कई नेताओं को पार्टी लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। भाजपा नेताओं की माने तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो आगामी संसदीय चुनावों में 50% से ज्यादा मौजूदा सांसदों को इस बार मौका नहीं मिलेगा। महासमुंद से सांसद चुन्नीलाल साहू, कांकेर से मोहन मंडावी का टिकट कटने की बात सामने आ रही है, तो वहीं रायगढ़ से गोमती साय के विधायक बनने के बाद ये सीट खाली है। कुछ ऐसा ही हाल सरगुजा सीट का भी है। रेणुका सिंह के विधायक बनने के बाद ये सीट रिक्त है, तो वहीं बिलासपुर लोकसभा सीट भी इस वक्त खाली है। इसके साथ ही पार्टी उन 5 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी नए उम्मीदवारों पर विचार कर रही है, जहां से मौजूदा सांसदों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब विधायक हैं। माना जा रहा है कि जिन सांसदों ने चुनाव लड़ा था उनमें से 2 या 3 को ही रिपीट किया जा सकता है, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल और रायपुर सांसद सुनील सोनी का नाम चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरबा और पश्चिम की अनुसूचित जनजाति वाली सीटें हैं, जिन पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। भाजपा का इन दोनों सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस है। पार्टी के लिए एक और महत्वपूर्ण सीट है जांजगीर चांपा। यहां पार्टी ने 2019 में 15 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में आए नतीजे हैरान करने वाले थे।